फूलों की दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो। अगर रिश्त करना खता है तो एक बार नहीं 100 बार करो। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे शायर की शायरी पढ़ूंगी जिनका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व जो है वो किसी परिचय का मोहताज ही नहीं है। आप खुद गैस कीजिए और आप, मुझे पूरा यकीन है आप इसे समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे मैं किसकी शायरी पढ़ रही हूँ। और अगर आप समझ गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर मेरी आवाज़ आपके दिल तक पहुँचती है तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के मुझे ये एहसास दिलवाएं। मैं अक्सर अपने संघर्ष के दिनों में, खैर मेरा संघर्ष तो अभी भी चल ही रहा है और इंसान का संघर्ष तब तक चलता है जब तक वो ज़िंदा है, तो मैं इन शायर की शायरियाँ अक्सर सुना करती हूँ, मुझे बेहद पसंद है ये। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियाँ छोड़ जाने को कहा जाता है, पत्तियाँ रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। मैं मर जाऊँ तो एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं जानता हूँ दुश्मन भी कम नहीं है, पर हथेली पे जान थोड़ी है। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। धन्यवाद।